हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर स्वागत है मेरे चैनल में नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग होगा मेरा, कुछ काम है जाके हम लोग आज हाइड्रो में जाके काम करना है। वाह, बारिश आया था सुबह सुबह, देखना पूरा बारिश का वजह से पानी पानी भरा हुआ है और आज कैसा काम करेगा पता नहीं दोस्तों। तो देखना, दोनों मशीन वहाँ पे खड़ा हुआ है तो अभी वो देखना, पूरा बारिश का वजह से पूरा पानी पानी जमा होगा, पूरा देखना रास्ता कीचड़ कीचड़। और आज सुबह सुबह मैं काम के लिए निकल तो रहा हूँ लेकिन बारिश का वजह से काम होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जाके तो काम तो करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। आज जो मशीन ऐसे ही खड़ा है और ग्रीसिंग भी नहीं किया है आज, पूरा बारिश की वजह से कीचड़ ही कीचड़ है। और अभी निकला हूँ मैं सुबह सुबह, तो मशीन उसका तो गियरबॉक्स खोल के रखा है, उतार के रखा है जैसे कि देख रहे हैं, तो उसका गियरबॉक्स भी उठाना है आज। कल सामान लेके सब फिटिंग तो कर दिया, जो है क्लास डिश जो जल गया था उसका चेंज कर दिया, तो अभी आज गियरबॉक्स सिर्फ उठाना है। और ये मशीन लेके मैं अभी काम पे निकल रहा हूँ लेकिन बारिश बहुत आया है आज सुबह सुबह। तो दोस्तों ठीक है, तो अभी देर नहीं करते, सीधे चलते हैं काम के साइड पर और जाके हम लोग काम का जगह पे मिलते हैं, क्या काम होगा वो देख लेंगे। चले चाहिए। पाइप 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 स्टार्ट कर दूं अभी मशीन में सुबह सुबह। सो मैंने स्टार्ट कर लिया गाड़ी मशीन, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और जाके मिलते हैं हम लोग काम का साइड। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहा है जैसे कि, तो ये पुंगलोक विलेज से ऊपर बस्ती जा रहा है, अभी हम लोग ऊपर बस्ती जाना है और वहाँ में आज हाइड्रो का काम होगा। जो भी है देखेंगे, बारिश बहुत आ रहा है देखना। बारिश का वजह से आज काम कैसा होगा पता नहीं, जाके देखते हैं वहीं पे। देखता क्या, अंधेरा हो गया रे, रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, पूरा अंधेरा अंधेरा फुहारा लगा हुआ है बारिश का वजह से। पानी नहीं, पानी नहीं गिरेगा, दिन होने से पानी नहीं गिरेगा बोल रहा है वो जो है इंचार्ज, जाके लेके जा रहा है। आज हम लोग को काम करना है हाइड्रो में, हाइड्रो को इलेक्ट्रिसिटी को बिजली पैदा करना है, वहाँ पर जाके काम करना है। और आज इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टेस्ट करना है, बोला है ओपनिंग करना है, तो वो थोड़ा बहुत काम है, जाके देखते हैं क्या होगा, वहीं पे जाके मिलते हैं आप। तो अभी हम लोग पहुँच गया साइड पे, तो ये बम्बू घास गिराना है बोलता है, ये रास्ता थोड़ा ब्लॉक हुआ है तो अभी लगेगा, तो ऑपरेटर लगा हुआ है आज, तो वो ऑपरेटर को काम करने दे रहा हूँ मैं, देखता हूँ कैसा होगा। आज मैं कैमरामैन करूँगा और उसको ही काम पे लगने के लिए दे दूँगा। तो सुबह सुबह आके काम शुरू हो गया हम लोग का, तो आज ये रास्ता थोड़ा क्लियर करना है बोला है, साफ सफाई करना है, ये बम्बू सब हटाना है, बहुत कांटेदार बम्बू है ये देखना, बम्बू तो है लेकिन कांटेदार बम्बू, ये सब पहली बार देखा मैंने ये बम्बू, देखना पूरा कांटा है, बहुत डेंजर कांटा है ये बम्बू का। बम्बू बहुत देखा है मैंने लेकिन इस तरह का कांटेदार बम्बू
पहली बार देखा है, बहुत डेंजर काटा है, तो इसलिए इसको आदमी से भी नहीं काट सकता है, तो इसलिए मशीन से थोड़ा निकालने के लिए कोशिश। तो रास्ता में थोड़ा था तो रास्ता क्लियर करना है, रास्ता है। बम्बू गिर गया, बम्बू गिर गया, गिराई गया, तो उतना ही साफ करना था आज हम लोगों। फाइनली बम्बू गिर गया, अभी बम्बू का काम ख़त्म, बम्बू का काम तमाम कर दिया। जैसे भी देखना, बहुत कांटेदार बम्बू था, मैंने ये एक बम्बू पहली बार दिखाया। चलो यहाँ का तो क्लियर हो गया, अभी जाके नीचे में और काम करना है, बताएं देखता है कहाँ कैसा होगा। काम कंप्लीट हो गया यहाँ का, और जाके नीचे में देखते हैं। ये तो ना गिराओ ना, नीचे तो जाओ। चलो अभी नीचे जाके देखते हैं, नीचे में है बोला है, अभी जाके देखते हैं। वो मशीन तो लेके आ रहा है ऑपरेटर। अच्छा, तो ये काटना है आज, ये बम्बू दोनों गिराना है। जो अभी यहाँ में लाइट देने वाला है, वो तो लाइट में गिर गया, वो देखना पूरा तार में गिर गया वो बम्बू। तो ये बम्बू है जो कि इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ में है नीचे में, तो वो इलेक्ट्रिक देने वाला है आज। तो ये बम्बू का वजह से यहाँ में शॉर्ट होगा कुछ, इसीलिए ये दो बम्बू गिराना है। उधर में एक गिराया रास्ता में, और ये दो ठो भी गिराना है आज, तो देखते हैं। तो फिर ये नाला भी तो बना देना पड़ेगा हम लोगों भाई। ये बम्बू गिराएगा तो अभी यहाँ में नाला टूट जाएगा, ये नाला को भी तो हम लोग को बनाना पड़ेगा।
ऐसा करके सीधा ना। तो ये तो नाला भी बना बोला मैं ये तो बम्बू गिरा दे तो नाला भांगी जाओ ना, नाला इनका का काटी दी बोला ना तहन। तो मेरा मशीन वहाँ पे है अभी, तो यहाँ से उतारना है, देखता हूँ उतार के। हमें लगा काम है रे जेसीबी वाले को, कुछ भी शांति का काम नहीं है, आराम का काम नहीं है। जेसीबी का लाइफ ही ऐसा है शायद, कहाँ जंगल में, कहाँ नाला में, कहाँ गड्ढा में, कहाँ पहाड़ में चढ़ना पड़ता है। जेसीबी ऑपरेटर का काम ही कुछ ऐसा ही होगा। देखो दोस्तों, किसी भी ऑपरेटर ऐसा बम्बू का पेड़ उतार के फेंकता है। देखो वो आगे वाला भी थोड़ा ढका दो, वो आगे वाला भी आ जाएगा इधर। ये लाइट का तार में लगने के वजह से इसको खड़के फेंक रहा है। बहुत खतरनाक ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कहीं भी गाड़ी लेके काम कर सकता है, बहुत खतरनाक है ये ऑपरेटर। फील्ड बहुत बड़ा है उसका, बहुत से नेटवर्क का। बहुत बड़ा बड़ा केकड़ा है, केकड़ा गिर गया। हाइड्रो पावर यहाँ से लाइट देगा, देखिए हाइड्रो पावर यहाँ से पुंगलो ब्लेस में लाइट देगा। अभी किया फिर आया, फिर आया, अभी तो किया। अभी तो किया हो गया।
ये जाएगा देखो। आओ तो दोस्तों ये फाइनली ये बम्बू गिरा दिया। ये बम्बू से मेरे को बहुत मशक्कत करने दिया, बहुत मशक्कत के बाद में ये बम्बू गिराए दोनों। बहुत बड़ा था, बहुत इधर से गिरा दिया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बारिश भी आ रहा है। रहा है ये नाला कंप्लीट हो गया। बेसी डांगर थाकिस त पानी पनि नपरि त त्यो होइन अरे काटा ना काटा बरा मान्नु भी हात भी बेसी जखम पाए त्यो यसै कथा त त्यो त होइ जाबो ए दुई काम थाकिस त काली भी आइन कुरे थाकिस इतु काति दिबलाई दाउ बरा काति दिले हो ना काति कि ना तला पोपोटे पर निना ना। तो दोस्तों अभी काम हो चुका है हम लोग का, काम खत्म। आज का काम यही पे खत्म हो गया। दो बम्बू का घास गिराना था, बहुत मुश्किल से गिराया है। कांटा था, बम्बू था, चार घास गिराया है। तो सब भी पहुंच गया, अभी सर लोग भी आके पहुंच गया। अभी जाके हाइड्रो में देखेंगे आज ही की छारी बोले ऐसे नहीं की
ना टेस्टिंग करिबोले आसे साबो अच्छा अच्छा ओ ओ तो जाइगे ना साबो आमी खानबे जाइगे ना साइलो बना एक बार ना किने का बनाइसे चाबी खुला आसे सब बन तो मैं चाहिए ना साबुन न पारे ओहो बार पर हेल्ले भी सही ना आईबो ना पीछे ते साबु तो दोस्तों अभी हम लोग ने मशीन को वहाँ पे रख दिया काम ख़त्म थोड़ा बहुत टाइम पास हो गया आज बारिश भी गिर रहा था तो अभी जाएंगे हम लोग नीचे में जाके हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर डिपार्टमेंट का पावर देने वाला वहाँ में जाके एक बार देख लेंगे भाई देखना कितना बड़ा बड़ा पत्थर है वाह तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे में जाके देखते हैं तो बारिश भी आ रहा है उस वजह से थोड़ा जैकेट लगाया था वो बम्बू का घास गिराते गिराते मेरा तो पसीना निकल गया बहुत अभी हम लोग थोड़ा पैदल मार के नीचे जाएंगे और जाके देखते हैं कैसा वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है बिजली कैसा निकलता है वो सब देखने के लिए जा रहा है और आप लोगों को भी दिखाऊंगा वो देखना दोस्तों फाइनली पहुंच रहा है सामने सामने देखना वो पावर हाउस का घर फाइनली पहुंच गया हम लोग जो है बिजली यहाँ में पैदा करता है बिजली पैदा करता है मतलब नहीं बिजली यहाँ से ही सप्लाई देता है तो ये है ये पुंगलो विलेज का तो यहाँ पे बिजली का ये कुछ इस तरह से बनाया है बहुत दिन काम किया था हम लोग यहाँ जेसीबी से लेकिन आज फाइनली कुछ इस तरह हो रहा है देखना तरह हो रहा है नहीं हो गया तो यहाँ से देखना मशीन अंदर का चाबी तो नहीं लिया आज तो वो सांप लोग भी नहीं आया तो ये देखना मशीन कुछ इस तरह है यहीं से बिजली पैदा होगा क्या होगा पता नहीं कुछ इस तरह है मशीन पूरा सप्लाई बिजली का ये देखना बड़ा बड़ा जनरेटर वो पता क्या वो टर्बाइन और ये जनरेटर सब है ये मशीन भी बहुत बार उठाया हम लोग जेसीबी से बहुत बार उठा के इसको यहाँ पे लाने के लिए बहुत काम किया है उस समय तो वीडियो भी नहीं बनाया शायद बहुत पहले की बात है तो थोड़ा बहुत बनाया था काम का टाइम में शायद इतना वीडियो नहीं डाला है तो अभी यहाँ पे इस तरह है ट्रांसफार्मर दो ठू रख दिया पावर सप्लाई यहाँ से जाएगा पूरा पुंगलो विलेज जाएगा या सैनिक स्कूल जाएगा कहीं भी जाएगा पूरा अगर ये बिजली वाला ये बिजली बन गया तो यहाँ पे बिजली का कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं तो बिजली हवा पानी आने से थोड़ा बिजली दिक्कत होता था तो अभी ये बना दिया नालिन गवर्नमेंट से अच्छा काम किया ये हम लोग का ये पुंगलो विलेज में ये देखना कुछ इस तरह है यहाँ में वाटर का वाटर पाइप वहाँ से आता है कुछ नज़ारा इस साइड पे से दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह है ये जाके वहाँ में टर्बाइन घुराएगा टर्बाइन घूरने के बाद और ये इसको घुराएगा ये है बिजली जो देने वाला मेन सप्लायर शायद लगता है उतना तो मेरे को जानकारी नहीं है फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे है मेन टैंकी ऊपर से आया है एक पाइप वहाँ से तो आके यहाँ से दो भाग होगा दो भाग होने के बाद में ये दोनों में चला जाएगा पानी और पानी जाके बिजली का काम शुरू होगा इस जगह में बहुत दिन काम किया था हम लोग ये देखना बहुत बड़ा बड़ा पाइप मोटा मोटा ये देखना ये प्लास्टिक का है पाइप लेकिन बहुत हार्ड प्लास्टिक है ये लोहा का है इतना छोटा पतला लेकिन ये प्लास्टिक का बहुत मोटा है फिर भी ये डिफरेंस देखिए ये देखिए डिफरेंस ये लोहा का पाइप कितना पतला और ये प्लास्टिक का इतना मोटा बस इसका कुछ होने वाला ही नहीं जेसीबी से उठा के पटकने से भी कुछ होता नहीं वो तो दोस्तों तो अभी वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है शायद तो अभी देखा दिया जो भी है और आज का काम भी हो गया तो बारिश भी आ रहा है अभी जाके हम लोग छुट्टी करेंगे तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों वंदे मातरम।